खबरें भिगोद से, जहां कोटड़ी में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में बुधवार को जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ना दलितों की है, ना पिछड़ों की, ना आदिवासियों की है, ना ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार की पोषक है, उस परिवार की गुलाम बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार ने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया है, 15,000 करोड़ रुपए के पशु कल्याण अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की गारंटी कांग्रेस के झूठे वादों पर भारी है, जो कांग्रेस ने सोचा ही नहीं वह हमने कर दिखाया है। मुफ्त राशन योजना 5 साल तक जारी रहेगी, आयुष्मान योजना का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। हजारों लोगों ने उनके भाषण को मन से सुना, जय जयकारे लगाकर उनका पूर्ण समर्थन किया।